नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल एमोंटून जीके देख रहे हैं। पहली नियुक्ति अध्यापक बीपीएससी की तरह आप सभी नवनियुक्त शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे होंगे या आपको बीआरसी से बुलाया गया होगा, बीआरसी से में किसी स्कूल टेस्ट से टैग किया गया होगा, या हो सकता है कि आप डाइट बाइट से ट्रेनिंग ले लिए होंगे आवासीय, या अभी ले रहे होंगे। तो इसमें तीन तरह के प्रशिक्षण चल रहा है। एक उनका प्रशिक्षण चल रहा है जिनका डाइट बाइट बिप्टा एस्टेट उन लोगों के होटल में, होटल में बिहार सरकार जो होटल ली है अनुबंध पर, उस पर प्रशिक्षण चल रहा है। तो हो सकता है कि आप प्रशिक्षण कर रहे होंगे जो पूर्णतः आवासीय होगा, रहना खाना पीना सब कुछ बिहार सरकार संभालेगी। दूसरी वैसे कैंडिडेट आप होंगे कि आप इन सभी से प्रशिक्षण कर लिए होंगे और आपको बीआरसी बुलाया गया होगा और वहां से 6 तारीख को आपको स्कूल टैग कर दिया जाएगा। तो हो सकता है 5 के शाम तक 4-5 बजे तक आपका लिस्ट आ जाए। तीसरी वैसे कैंडिडेट होंगे कि जो अभी डाइट बाइट में ट्रेनिंग नहीं किए होंगे, वो अभी बीआरसी से और जो स्कूल टैग किया गया है उसी स्कूल में और बीआरसी में जा रहे होंगे ट्रेनिंग करने और स्कूल में पढ़ाने सीखने समझने और बीआरसी से में क्लास कर रहे होंगे। अभी तक आप लोग यह 3 चरण में हो रही है। तो बहुत सारे दिव्यांग कैंडिडेट जो नवनियुक्त शिक्षक हैं हमसे पूछ रहे हैं कि सर जो है सो ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र मिल गया है, ज्वाइनिंग कब करना है, वेतन कब से स्टार्ट होगा, अभी पॉकेट से खर्चा हो रहा है, क्या करना होगा, कुछ बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो डाइट बायर से ट्रेनिंग कर कर लौटे हैं उनको स्कूल अभी आवंटन नहीं हुआ है, बीआरसी नहीं मिली है, वो स्कूल टैग नहीं किया गया है। तो सभी सवालों का जवाब बारी बारी से मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखूंगा कि मैं इस प्रकार की जानकारी कहाँ से लेता हूँ, कहाँ से आता है मेरे पास। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति हुई है, इसलिए जैसे जैसे कोई सूचना आता है तो मैं सोचता हूँ कि आप सबको बता दूँ वीडियो के माध्यम से, और जो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से बताता हूँ, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको बताता हूँ। तो यह मैं बताना अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि वेतन कब से मिलेगा, तो जैसे कि आप सबको पता है कि वेतन नियुक्ति पत्र मिलने के तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है उसी दिन से, लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बिहार सरकार के पास संसाधन की कमी है और स्कूल आवंटन जो हो रहा है उसमें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटन होगा। स्कूल आवंटन होने के बाद आपका सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, वो या आप ट्रेनिंग कर लिए हो या ट्रेनिंग पीरियड में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल आवंटन हो जाएगा और उसी दिन जिस दिन आप जिस स्कूल में आपका आवंटन होगा उस स्कूल में योगदान कर लीजिएगा, उस दिन से आपका पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह बात हो गई। अब स्कूल आवंटन कब होगा? तो देखिए, स्कूल आवंटन हो सकता है कि दीपावली के बाद और छठ के आसपास हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में रिक्तियाँ हैं, सभी रिक्तियाँ को सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है, फिल करना है, किस जिला में, किस ब्लॉक में, किस पंचायत के किस स्कूल में कितनी रिक्तियाँ हैं, उसमें बच्चे की संख्या कितनी है, कितने अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कितने अध्यापक की ज़रूरत है, उस सभी चीज़ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में अपलोड करने में टाइम लगता है। तो हो सकता है कि छठ के आसपास, छठ के एक दो दिन पहले या बाद में आप सभी को स्कूल आवंटन हो जाए, और स्कूल आवंटन होने के बाद आप स्कूल में योगदान कर लीजिएगा। योगदान करने के बाद से आपका जिस दिन योगदान कीजिएगा उसी दिन से सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप अपने पैसे पर बीआरसी या जो स्कूल टैग है उसमें जाइए, पढ़ाइए, सीखिए, समझिए। और जो डाइट बाइट में है उनके लिए कोई चिंता है नहीं, उनको तो वहाँ रहना खाना आवासीय है, उनको सब कुछ सरकार ही समझ रही है। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूँ कि जो बीआरसी स्कूल टैग है वो अभी तक आवासीय प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, तो आप घबराइए नहीं, आपका अगला नेक्स्ट चरण में हो सकता है कि आपका आवासीय प्रशिक्षण के लिए लिस्ट में नाम आ जाए। चरणबद्ध तरीके से सभी को आवासीय प्रशिक्षण करना है, ठीक है ना, चरणबद्ध तरीके से होगा। जितनी जितनी संख्या हो जाएगी 15-15 दिन के बाद वो लोग, आप लोग जाते रहिएगा, वो लोग आते रहेंगे, इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक जब सभी नवनियुक्त शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षण नहीं ले लेते हैं, तब तक यह चरणबद्ध तरीके से होता रहेगा, कराती रहेगी बिहार सरकार। वेतन के बारे में समझ गए, ट्रेनिंग के बारे में समझ गए, और बीआरसी के और स्कूल जो टैग हो रहा है उसके बारे में बता दिया हूँ कि आप टैग जिस स्कूल में टैग कीजिएगा उसी स्कूल में आपको जहाँ सीखना है, समझना है, वहाँ की विधि व्यवस्था, पढ़ाने लिखाने का तौर तरीका, बोलने चलने का तौर तरीका, वहाँ का फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ वहाँ पर बताया जा रहा है। और तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और फिर भी कोई दिक्कत होगा इससे रिलेटेड तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आप घबराएं नहीं, शिक्षा विभाग है, इसकी अपनी संसाधन है, उसी संसाधन में आप सबको कराएगी। और
नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि नियुक्ति पत्र मिल गया अब क्या करना है। तो जो पहले से स्कूल टैग है उसी स्कूल टैग में आपको जाना है, हाजिर बनवाना है, सीखना है, पढ़ाना है। और आप जिस ये बाइट डाइट से या BRCC से या स्कूल से टैग होंगे या प्रशिक्षण कर लिए होंगे तो वहाँ से ग्रुप बना होगा। उस सभी ग्रुप में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे कीजिए। कोई सोचने समझने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, और जो है उसको परेशान होने की बात नहीं है। हो सकता है कि 1-2 घंटा के देरी से आप जाने समझे, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने नोटिस जो आती है ग्रुप में, मैसेज जो आ रहा है उसको देखिए, समझिए और ऐसे ऐसे कीजिए। अब्सेंट नहीं रहिएगा, दिक्कत हो जाएगा। नए नए शिक्षक बने हैं, अब्सेंट मार दीजिएगा, नहीं चाहिएगा स्कूल BRC कुछ भी, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप जैसे नोटिस आता है वैसे काम कीजिए, और विशेष जानकारी लेना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, जैसे होगा वैसे मैं आपको बता दूंगा।